हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं आज फिर से आप सभी लोग बीच एक नए वीडियो के साथ आया हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑटोकैड के 3D बेसिक सेटिंग के बारे में। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं तो ऑटोकैड का 2D जो सीरीज था वो लगभग मैंने कंप्लीट करा दिया है। काफ़ी लोगों का डिमांड आ रहा था कि सर 3D पे आप वीडियो लाओ। आज फाइनली आपका वो इंतज़ार खत्म होता है, आज ये 3D का बेसिक सेटिंग का फर्स्ट वीडियो आने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो से बने रहना है और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ हमारे STTP चैनल में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से 2 मिनट समय लेना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को कुछ बता दूँ। तो डिस्प्ले पे आपको विजिटिंग कार्ड शो हो रहा होगा, ये TDP का विजिटिंग कार्ड है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, TDP कंस्ट्रक्शन, TDP जो है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हो चुकी है और इसको बाद में प्राइवेट लिमिटेड भी किया जाएगा। और अगर आपको प्लानर, डिजाइनर और कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत है तो आप TDP के ऑफिस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्प्ले पे आपको मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जो लोग भी बिहार से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए तो ये सारे पॉसिबल है, लेकिन आउट ऑफ स्टेट वालों के लिए ये पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे TDP की जो है शाखाएं वो सभी जगह खोली जाएगी, तो आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। बट ऑनलाइन सर्विस जो है, मैप अगर ड्रॉ करवाना है आपको तो TDP से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं तो TDP के द्वारा जो है बहुत सारे साइट अभी ले लिए गए हैं, इसी कारण वीडियो आने में लेट हो गया है। तो आप धीरे धीरे जो है, मैं सारे जितने भी आपको TDP के द्वारा कंस्ट्रक्शन साइट लिया जा रहा है उन सभी का मैप ड्रॉ करके उनका लाइव प्रैक्टिकल साइट विजिट भी आपको इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। तो बस आपको इस चैनल से जुड़े रहना है, और बस आप लोगों के लिए मैं इतना सारा मेहनत करता हूं, तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे STTP चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को भी दबा लो ताकि आपको नई टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से रिलेटेड सभी वीडियो की अपडेट आपके मोबाइल पर जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग ऑटोकैड की दुनिया में जाके वहाँ पे हम लोग ऑटोकैड का 3D बेसिक सेटिंग के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, यहाँ हम लोग आ चुके हैं ऑटोकैड की दुनिया में। तो पहले जो हम लोगों का सेटिंग होगा वो 2D से 3D में जाने का सेटिंग होगा, और कैसे हम लोग 2D से 3D में जाते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो 3D में जाने का यहाँ पे 2 सेटिंग है, मैं आप लोगों को दोनों के बारे में बता दूँ। तो पहला जो सेटिंग आता है, आप लोग यहाँ पे सेटिंग पे देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल आ रहा है वर्क स्पेस स्विचिंग के बारे में। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन आ रहा है, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, मतलब हम लोग 2D में थे, ये यहाँ पे है 3D बेसिक और 3D मॉडलिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, 3D मॉडलिंग में क्लिक करेंगे। तो 3D मॉडलिंग में जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे जो है 3D की दुनिया में हम एंट्री कर जाएंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे कुछ टूल बार जो आपको 2D में दिख रहा था, अब यहाँ पे कुछ टूल बार आपको 3D में शो हो रहा होगा, और इन सभी टूल बार को हम लोग आगे अभी जानेंगे। तो आप लोगों को वीडियो से बने रहना है। अब दूसरा जो आता है ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन के बारे में बता दूं कि दूसरे ऑप्शन से कैसे हम लोग 3D में जाएंगे। तो आप लोगों को ऊपर साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पर जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से भी आप लोग 3D मॉडलिंग पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 3D की दुनिया में आ जाएंगे। तो चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब जो 3D का मैं कमांड होता हूँ उन सभी को मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग कॉर्नर साइड में देख पा रहे होंगे, यहाँ बॉक्स लिखा आ रहा है, इस वाले एरो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, सिलेंडर, कोण, स्पेरिकल, पिरामिड, ये सब का ऑप्शन आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स को ड्रॉ करते हैं। तो बॉक्स को ड्रॉ करने के लिए बॉक्स पे क्लिक करेंगे, और बॉक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमसे पूछा जा रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। फर्स्ट कॉर्नर में आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके जितना भी आपको बॉक्स का साइज लेना है आपको उतना ले लेना है और क्लिक कर देना है। तो अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको हाइट कितना देना है। तो मान लीजिए मुझे हाइट जो है इतना देना है। तो अब आप लोग का डाउट होगा कि सर यहाँ पे हम लोगों ने तो बॉक्स क्रिएट किया है तो बॉक्स हम लोगों का दिख नहीं रहा है, ये तो हम लोगों का रेक्टेंगल दिख रहा है। तो डियर, मैं आप लोग बता दूँ तो हम लोगों को एक और सेटिंग करना होगा, जब तक वो सेटिंग नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का 3D ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। तो फिर हम लोगों का क्या वो सेटिंग होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2D वायर फ्रेम में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको क्लिक, इस वाले एरो पे आपको क्लिक करना है, इस वाले एरो पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोगों को रियलिस्टिक कर लेना है, रियलिस्टिक कर लो या सेव्ड कर लो, कोई भी कर लो,
वो आपको यहाँ पे सेफ दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग रियलिस्टिक कर लिए हैं। अब देखो यहाँ पे रियल में वो बॉक्स दिख रहा है, तो ये बॉक्स जो है हम लोगों का टॉप व्यू से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जबकि आप लोग यहाँ पे रोटेशन में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग टॉप व्यू से देख रहे हैं, किसी भी बॉक्स को आप टॉप व्यू से देखोगे तो वहाँ पे आप लोगों को रेक्टेंगल ही शो होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अनसेव्ड व्यू में जैसे ही क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों को साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट वाले कॉर्नर से देखना है। तो आपको क्या करना है, साउथ ईस्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो हम लोगों का जो बॉक्स है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स वाई जेड यहाँ पे तीन जो है एक्सिस आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको 2D में भी बताया था कि हम लोगों का 2D में दो एक्सिस होता है एक्स वाई, और 3D में जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे तीन एक्सिस बन जाते हैं एक्स वाई जेड। तो हम लोगों का यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम लोग जेड एक्सिस पे देखते हैं। तो ये जो है यहाँ पे बॉक्स हम लोगों ने देख लिया। अब मैं आप लोगों को आगे बढ़ता हूँ, तो अब इसी वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सिलेंडर आपको अगर बनाना हो तो सिलेंडर पे क्लिक करके आपको क्या करना है, सिलेंडर का यहाँ पे शेप ले लेना है, जितना आपको शेप लेना है उस पर क्लिक करना है और जितना भी आपको सिलेंडर का हाइट रखना है उतना हाइट आपको यहाँ पे रख देना है। तो क्लिक करोगे तो जैसे ही यहाँ पे सिलेंडर हम लोगों का फॉर्मेशन हो चुका है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को कोन अगर ड्रॉ करना है तो कोन ड्रॉ करने के लिए फिर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक बार लेफ्ट क्लिक करना है और उसके बाद इसका स्पेसिफाई हाइट कुछ दे देना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने हाइट दे दिया, तो देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोगों ने कोन जो है ड्रॉ कर लिया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो है यहाँ पे स्पेयर है, स्पेयर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो हम लोगों का स्पेयर अगर ड्रॉ करना है तो फिर इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे स्पेयर जो है हम लोगों का ड्रॉ हो चुका है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप लोग अगर पिरामिड को बनाना है तो पिरामिड पे क्लिक करके आप यहाँ से पिरामिड को भी क्रिएट कर सकते हो। मान लो यहाँ पे हमको और इसका स्पेसिफाई हमको कुछ हाइट दे देना है, हाइट देने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा पिरामिड जो है ड्रॉ हो चुका है। इसी तरह आपको इस वाले एरो में जो भी चीज़ आपको ड्रॉ करना है उस पर क्लिक कर लेना है। मान लो टोनस आपको अगर ड्रॉ करना है तो टोनस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इसको कुछ ले लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो है टोनस जो है हमारा ड्रॉ हो चुका है, जैसा कि आप लोग देखे भी हुए होगा। अब जो नेक्स्ट जो कमांड आता है हम लोगों का है एक्सट्रूड। तो एक्सट्रूड का काम जो है हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रेसपुल करके उठाते हैं। तो आगे जो हम लोगों का कमांड एक आने वाला है, प्रेसपुल कमांड और एक्सट्रूड दोनों जो है सेम कमांड है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो मैं ये एक्सट्रूड को यूज करने के लिए मैं पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यूज करना है। फिर से आपको एल टाइप करके इंटरप्रेस कर लेना है और फिर आपको एक शेप ड्रॉ करना है। वो जो शेप है आपको चारों साइड से बंद होना चाहिए, कहीं पे भी आपको वो ओपन नहीं रहना चाहिए। अगर ओपन अगर रहता है तो एक्सट्रूड कमांड यूज नहीं हो पाएगा। मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है वो एक साइड से मैंने ज्वाइन नहीं किया है। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि एक्सट्रूड का यहाँ पे यूज होता है या नहीं। फिर हम लोग को क्या करना है, इन सारे लाइन को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए सबको सेलेक्ट करेंगे और जे टाइप करके इंटरप्रेस कर लेंगे। जैसे इंटरप्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो है सभी लाइन ज्वाइन हो चुके हैं। तो अब चलिए हम लोग इस फिगर पे एक्सट्रूड कमांड का यूज करके देखते हैं। फिर आपको क्या करना है, एक्सट्रूड पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे देखो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे फिर आपको क्या करना है, इंटरप्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये ओनली लाइन का एक्सट्रूड हो रहा है, आपका अंदर का शेप का एक्सट्रूड नहीं हो रहा है। तो ये जब तक वो क्लोज नहीं होगा तब तक आपका अंदर का एक्सट्रूड नहीं हो पाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक्सट्रूड के एरो पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इसके अंदर बहुत सारे कमांड है। सेकंड जो कमांड है यहाँ पे लॉफ्ट कमांड है। तो लॉफ्ट कमांड का हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो लॉफ्ट कमांड का हम लोग यूज करते हैं किसी भी डिफिकल्ट फिगर को ड्रॉ करने के लिए। तो अब आप लोग कंफ्यूज हो गए कि डिफिकल्ट सर क्या होता है, तो अभी मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप लोगों को क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। मैं सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मान लो मैं इतना बड़ा सर्कल इसको ड्रॉ कर लेता हूँ और इसी के अंदर आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए फिर आपको क्या करना है, इसका सेंटर पकड़ लेना है, इस सर्कल का सेंटर जो है आपको यहाँ से पकड़ लेना है, एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। जैसे ही रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे फिर आपको क्या करना है, इस रेक्टेंगल को आपको ऊपर के साइड में ले जाना है। उसको ऊपर के साइड में ले जाने के लिए इस पर सिलेक्ट कर जैसे ही करोगे यहाँ पे तीन आपको एरो दिखाई देगा, एक एक्स एक्सिस जो रेड कलर और वाई एक्सिस में ग्रीन कलर और जेड एक्सिस में आपका ब्लू कलर। तो हम लोग को जेड एक्सिस में उठा के ले जाना है। तो फिर हम लोग इस वाले एरो पे क्लिक करेंगे और फिर आपको क्या करना है, इसको कुछ हाइट पे इसको प्रोवाइड कर देना है। जेड एक्सिस जो है हाइट ही प्रोवाइड किया जाता है।
तो अभी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, जो भी हम लोग जो फिगर ड्रॉ करते हैं वो प्लेन पे मेरा ड्रॉ होता है। अभी जैसा कि हम लोगों ने एक्स जेड एक्सिस पे हाइट पे प्रोवाइड किया है, तो अभी आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। फिर आपको क्या करना है, शिफ्ट को प्रेस करना है और फिर आपको रोटेट उसको प्रेस करके रखना है, फिर आपको रोटेट करना है। जिधर भी रोटेट करना हो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे जैसा मेरा प्लेन पे सर्कल ड्रॉ हो गया और जैसा कि मैंने हाइट पे प्रोवाइड किया यहाँ पे रेक्टेंगल को, तो मेरा हाइट पे आ चुका है। फिर आपको क्या करना है, लॉफ्ट कमांड यहाँ से ले लेना है। लॉफ्ट कमांड को जैसे ही लगोगे फिर आपको इस वाले फिगर पे क्लिक करना है, एक बार इस पर क्लिक करना है, फिर आपको रेक्टेंगल वाले पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का देख सकते हो कि जो हम लोगों का डिफिकल्ट यहाँ पे शेप था वो यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है लॉफ्ट कमांड के हेल्प से, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे डबल इंटर प्रेस कर लेना है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो फिगर है ड्रॉ हो चुका है, जैसा कि नीचे से सर्कल है और ऊपर से रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया था। फिर से मैं आप लोगों को एक फिगर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे ये जैसा कि मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, फिर से आपको एक सर्कल ले लेना है और यहाँ पे आपने सर्कल एक ड्रॉ किया, फिर से आपको एक सर्कल ले लेना है। तो यहाँ पे इसका जो सेंटर पकड़ के आपको एक सर्कल ले लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक और सर्कल ले लिया है और फिर से आपको एक और सर्कल ले लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने तीन सर्कल और एक रेक्टेंगल लिया है। तो सभी को हम लोग एक हाइट प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद हम लोग लॉफ्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये जो सर्कल आपको दिख रहा है इसको सबसे ऊपर वाले हाइट पे रखेंगे, तो इसको जो है हम लोग इतने हाइट पे इसको प्रोवाइड करते हैं। फिर आपको सेकेंड वाले सर्किल पे क्लिक करके इसको कुछ हाइट प्रोवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसका मैंने इतना हाइट प्रोवाइड कर दिया। फिर आपको थर्ड वाले सर्किल पे ले जाना है और इसको भी कुछ हाइट प्रोवाइड यहाँ पे कर देना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोगों ने हाइट प्रोवाइड कर दिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, लॉफ्ट का यूज करना है। तो लॉफ्ट का यूज करने के लिए फिर आपको लॉफ्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रेक्टेंगल पे पहले क्लिक करना है, उसके बाद सेकंड वाले सर्किल पे क्लिक करना है, फिर थर्ड वाले सर्किल पे क्लिक करना है और फोर्थ वाले सर्किल पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही क्रिटिकल हम लोगों ने यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लिया है। फिर आपको डबल इंटर और स्पेस का यहाँ पे यूज कर लेना है। जैसे यूज करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने ये फिगर ड्रॉ कर लिया है। तो दोस्तों अब हम लोगों का जो कमांड आता है वो रिवॉल्व कमांड आता है। तो चलिए अब हम लोग रिवॉल्व कमांड को यूज करते हैं। तो रिवॉल्व कमांड को यूज करने के लिए मैं आप लोगों को पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग रिवॉल्व कमांड को यूज करेंगे। तो इसमें जो फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे पॉलीलाइन का यूज करेंगे। पॉलीलाइन और लाइन में अंतर ये है कि पॉलीलाइन आप ड्रॉ करोगे तो पॉलीलाइन आपको ज्वाइन करने का जरूरत नहीं पड़ता है। लाइन में क्या है कि आपको ज्वाइन करना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग पॉलीलाइन का यहाँ पे यूज करेंगे। तो फिर आपको क्या करना है, पीएल आपको टाइप कर लेना है, इंटर यूज कर लेना है। जैसे इंटर यूज करेंगे फिर हम लोगों को एक शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे रिवॉल्व कमांड का जो यूज है, हम लोग आप लोगों ने देखा होगा जो ट्रेन होती है उसकी उसका जो पहिया हम लोग मतलब उसका जो व्हील हम लोग क्रिएट करते हैं वो रिवॉल्व कमांड से ही यहाँ पे यूज करते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग वेट करो। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोगों ने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लिया है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से रिवॉल्व कमांड का यूज करना है। तो रिवॉल्व पे क्लिक कर लेना है और फिर आपको इस वाले शेप पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपको इंटर स्पेस का यहाँ पे यूज कर लेना है। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि आप एक्सिस किसको रखना चाहते हो, तो हम एक्सिस जो है इसी लाइन को रखना चाहते हैं, तो हम इस लाइन पर क्लिक करेंगे। तो फिर आपको क्या करना है, इस लाइन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर हम लोगों का जो है फिगर जो है यहाँ पर कुछ ट्रेन के व्हील जैसा क्रिएट होता है। आप यहाँ से हम लोगों का जो कॉलम होता है यहाँ से आप लोग डिजाइन कर सकते हो। तो ये जो है यहाँ से आप किसी भी चीज़ को रिवॉल्व करवा के उसका डिजाइनिंग यहाँ से कर सकते हो। फिर 90 डालोगे तो इतना हम लोगों का क्रिएट होगा, फिर 180 डालोगे तो आधा, और 360 डालोगे तो आपका पूरा हो जाएगा। तो फिर आपको 360 के लिए क्या करना है, इंटर स्पेस का यूज यहाँ पर एक बार कर लेना है। जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का ऑलरेडी ये जो है शेप क्रिएट हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है अब जो आता है नेक्स्ट कमांड है हम लोगों का स्वीप कमांड। स्वीप कमांड का यूज जो है मैं आप लोगों को बता दूं, तो स्वीप कमांड का यूज जो है आप किसी भी पाइप को क्रिएट कर सकते हो स्वीप कमांड से। किसी भी आप फर्नीचर का वहां पे डिजाइन बना सकते हो स्वीप कमांड से। तो ये है स्वीप कमांड का। चलिए मैं आप लोगों को स्वीप कमांड का यूज करके बताता हूँ। तो फिर से आपको क्या करना है, पॉलीलाइन यहाँ पे ले लेना है, पीएल आपको टाइप कर लेना है, इंटर और स्पेस का यूज कर लेना है। तो यहाँ पे मैं जो है कुछ फिगर जो है ड्रॉ ऐसा करता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा
तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम लोगों ने जो है अपना फिगर ड्रॉ कर लिया है। अब आपको क्या करना है, फिर से एक सर्किल ले लेना है, तो सी आपको टाइप कर लेना है और आपको क्या करना है, सर्किल जो है एकदम छोटा सा सर्किल लेना है। अब मैं आप लोग बता दूँ तो यहाँ पे सर्किल हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि पाइप का आपको जितना भी मोटाई रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। तो हम लोगों का जो पाइप है मान लो यहाँ पर इतना छोटा हम लोग ले लेते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको स्वीप कमांड पे क्लिक करना है। स्वीप कमांड पे जैसे ही क्लिक करोगे, फिर आपको क्या करना है, इस सर्किल का यूज जो है इस लाइन में करना है। तो इस सर्किल पे क्लिक करना है, इंटर यूज कर लेना है और फिर आपको इस वाले लाइन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का देख सकते हो कि पाइप जो है हम लोग का फॉर्मेशन हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे। तो इसी तरह आपको जो है तो किसी भी आप फर्नीचर का डिज़ाइन कर सकते हो या घर में आप अगर सैनिटरी प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका यूज इस कमांड से कर सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ तो नेक्स्ट जो कमांड आता है वो हम लोगों का प्रेस पुल कमांड आता है। दोस्तों मैं आप लोग बता दूं तो जो हम लोगों का सबसे ज़्यादा यूज जो होता है 3D में, मैं उसके बारे में आप लोग बता दूं। कमांड तो बहुत सारे 3D में भी है, तो जो रेयरली यूज जो होगा प्लान में, जैसे मैं प्लान में भी यूज करूँगा तो उस समय अगर मेरा कोई छूट जाता है इस वीडियो में तो मैं वहाँ पर आप लोगों को बता दूंगा। और दोस्तों मैं आप लोग बता दूं तो 2D का सीरीज अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन के सेक्शन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, आप सिंपली जाके देख लेना, तभी जाके आपको 3D समझ में आएगा। तो यहाँ पे प्रेसपुल जो हम लोगों का नेक्स्ट कमांड आता है वो प्रेसपुल कमांड आता है। तो प्रेसपुल कमांड का मतलब मैं समझा दूँ तो आप जो है, और दोस्तों मैं आप लोग बता दूँ तो प्रेसपुल कमांड का यूज जो है सबसे ज़्यादा 3D में किया जाता है। तो प्रेसपुल का यूज जो है हम लोग किसी भी वॉल को क्रिएट करने के लिए करते हैं, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ अभी। फिर आपको क्या करना है, एल टाइप करके इंटरप्रेस कर लेना है और फिर आपको एक जो है यहाँ पे वॉल मान लो क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं फिगर एक ड्रॉ कर लेता हूँ और तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने वॉल जो है ड्रॉ कर लिया। फिर आपको इसी का प्रेसपुल हमको करना है, तो इसको प्रेसपुल करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अभी जो है मेरा ये फिगर जो है ज्वाइन नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे लाइन को ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से, तो इस पर क्लिक करेंगे और जे इंटर प्रेस करके कर लेंगे। फिर आपको क्या करना है, प्रेसपुल यूज करना है, प्रेसपुल पे क्लिक करना है। प्रेसपुल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इसके अंदर जैसे ही आप कर्सर ले जाओगे तो हमारा जो लाइन होगा वो हाईलाइटेड हो जाएगा। तो उस हाईलाइटेड लाइन पे फिर आपको क्लिक करना है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जितना भी वॉल का यहाँ पे हाइट रखना है उतना आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो मान लो हमको इतना प्रोवाइड करना है तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोगों ने यहाँ पे वॉल को क्रिएट कर लिया है। चलिए मैं आप लोगों को पॉलीलाइन का यूज़ करके एक वॉल को ड्रॉ करता हूँ। तो PL आपको टाइप कर लेना है, इंटर स्पेस का यहाँ पे यूज कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे आपको एक जो है आपको वॉल जैसे लाइन से यूज किया था उसी तरह आपको पॉलीलाइन का भी यूज करके एक वॉल को क्रिएट कर लेना है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोगों ने यहाँ पे फिर से एक वॉल को क्रिएट कर लिया, थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, प्रेसपुल पे क्लिक करना है। प्रेसपुल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो प्रेसपुल है इसके अंदर हाईलाइटेड हो रहा है। फिर आपको इस पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे जितना भी हाइट प्रोवाइड करना हो आप इतना प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रेसपुल का भी यूज करना सीख लिया है। और दोस्तों मैं आप लोग बता दूँ तो प्रेसपुल का यूज जो है आप तभी कर पाओगे अगर, ये तो हम लोगों का बड़ा साइज का फिगर था तब हम लोगों ने ड्रॉ किया, अब छोटे साइज में हमको अगर प्रेसपुल करना है तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, अपना पिक बॉक्स का जो साइज होगा उसको थोड़ा सा कम कर लेना है और उसके बाद आपको यूज करना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये पॉली सॉलिड है, तो पॉली सॉलिड का भी यूज जो है दीवार को खड़ाई करने में यूज किया जाता है। तो इन सभी चीज़ का हम लोग जब यूज करेंगे प्लान में तो उस समय आपको ज़्यादा क्लियर से समझ में आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कमांड जो है हम लोगों का यूनियन है, सॉलिड यूनियन। तो सॉलिड यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फिगर को आपको दो फिगर को मिला के एक फिगर क्रिएट कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, इस वाल को आपको इस वाल में सेट करना है तो फिर आपको क्या करना है, इस वाले जेड एक्सिस पे इसको ले जाना है और यहाँ पे आप लोगों को मान लो हम लोगों को इतना, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों का जो दो दीवाल था वो मैंने एक ही दीवाल में सेट किया है। तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका दो दीवाल सेलेक्ट हो रहा है। अब हमको मान लो इन दोनों वाल को हम लोगों को इसी में सेट करना है। फिर आपको क्या करना है, यूनियन सॉलिड यूनियन यहाँ से ले लेना है और फिर आपको दोनों इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद इंटर स्पेस का यहाँ पे यूज कर लेना है। जैसे यूज करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों का जो अब जो है दोनों दीवार एक ही साथ सेलेक्ट हो रहा है। पहले जो था सिंगल सिंगल यहाँ पे सेलेक्ट होता था
और अब जो है एक ही बार सेलेक्ट हो रहा है। तो सॉलिड यूनियन का यहाँ पे मेन जो फंडा है वो है आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को जो भी मैंने ऑटोकैड में 3D सेटिंग के बारे में बताया वो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई देके बता दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपने TDP के सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किया है तो उसको जरूर जाके फॉलो करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी का लिंक दे दिया है, तो आपको फॉलो एवं ज्वाइन भूलना नहीं है ताकि आपको सभी जो अपडेट जो है पहले मिल सके। और मैं आप लोगों के लिए अब जो वीडियो लाने वाला हूँ, अब किसी प्लान को हम लोग 3D में कैसे ड्रॉ करते हैं उस पर मैं आप लोगों को लाऊंगा। छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा, बड़ा वीडियो के माध्यम से नहीं बताऊंगा, इससे आप लोगों को बोरिंग फील ना हो, इस कारण से मैं आपको छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले इजाजत चाहता हूँ। स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।